Subscribe Review Master Vikrant in your YouTube app and get all videos of Review Master. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आपने अपने बुजुर्गों, दादी दादा नाना नानी को हेयरिंग एड्स लगाते हुए जरूर देखा होगा। जिन लोगों को कम सुनाई देता है उनके लिए आला यानी कि हेयरिंग एड्स काफी लाभदायक होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये किन प्रिंसिपल पे काम करते हैं और इनकी मदद से कम सुनने वाले भी किस प्रकार आसानी से सब कुछ साफ साफ सुन पाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हेयरिंग एड्स को हम सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि यदि कोई व्यक्ति मंच पे चढ़ा होता है और अपनी माइक पे वो कुछ बोलता है और लाउडस्पीकर पे हमें वही आवाज तेज होके सुनाई देती है। माइक से बोलने पर हमारी आवाज एक एम्पलीफायर के थ्रू जाती है और एम्पलीफिकेशन होके आवाज का लेवल बढ़ के वो एक लाउडस्पीकर के द्वारा हमें सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे हेयरिंग एड्स भी काम करते हैं। इसके चार प्रमुख पार्ट होते हैं। सबसे पहला माइक्रोफोन, दूसरा बैटरी, तीसरा एम्पलीफायर सर्किट और चौथा लाउडस्पीकर। आप लोगों ने पुराने हेयरिंग एड्स तो जरूर देखे होंगे जिसमें कि एक बॉक्स होता था जो कि कम सुनने वाला व्यक्ति अपने जेब में लेके घूमता था और उससे एक हेडफोन टाइप की चीज निकली होती थी जो कि उसके कान में डली होती थी। इसी बॉक्स में बैटरी कंपार्टमेंट होता था, एम्पलीफायर सर्किट होता था और माइक्रोफोन होता था। पर अब इस प्रकार के हेयरिंग एड्स एब्सोल्यूट हो चुके हैं और नए हेयरिंग एड्स ने अपनी जगह ले ली है। इसमें भी सेम चार चीजें होती हैं पर इनका आकार थोड़ा छोटा होता है। जब भी सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो वो माइक्रोफोन के थ्रू एम्पलीफायर सर्किट से होते हुए लाउड स्पीकर को यानी कि जो कि हमारे कान में लगा होता है उस तक पहुंचता है। इस पूरी प्रणाली को पावर उसमें लगी छोटी बैटरी के द्वारा प्राप्त होती है। जिस प्रकार हम एयरप्लग्स के द्वारा किसी गाने को सुनते हैं उसी प्रकार हेयरिंग एड्स को लगाने पे कम सुनने वाला व्यक्ति भी सुन पाता है। तो यदि इसको संक्षिप्त में हम लोग जाने तो माइक्रोफोन के द्वारा हमारी आवाज को बड़े स्तर पे हमारे कान पे पहुंचाने वाला हेयरिंग एड्स होता है और जिसके मदद से कम सुनने वाला व्यक्ति भी आसानी से सब कुछ सुन पाता है। हेयरिंग एड्स की बात चली है तो एक और चीज की बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, वो है डॉक्टरों के गले में लटका आला जिसको स्टेटोस्कोप भी कहते हैं। जो आजकल प्रचलित स्टेटोस्कोप है वो हमारे हेयरिंग एड्स के सिद्धांत पे काम नहीं करते हैं। स्टेटोस्कोप के एक सिरे पे लगा तस्तरी जैसे आकार का चीज वो किसी भी आवाज को जैसे कि हमारे हृदय की और हमारे नब्स की आवाज को डायफ्राम पे देता है और डायफ्राम उसको उच्च स्तर पर जो खोखली नली होती है उसमें प्रवाहित कर देता है जिसके द्वारा डॉक्टर को दूसरे एंड पर लगी हुई एयर पीस पर आवाज साफ सुनाई देती है। यह उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार हम बचपन में दो कप के द्वारा बीच में एक डोरी से बातें किया करते थे। पर आजकल इस क्षेत्र में भी काफी तरक्की हो चुकी है और यह भी हेयरिंग एड के सिद्धांत पर एक नए स्टेटोस्कोप का डेवलपमेंट होने लगा है। इसमें सेम हेयरिंग एड्स की तरह जो भी तस्तरी नुमा आकार होता है वहां पर एक माइक्रोफोन लगा दिया जाता है, बीच में पावर सोर्स और एम्पलीफायर सर्किट होता है और लास्ट में उसी तरह ईयर पीस लगा होता है जो कि हमारे हेयरिंग एड्स पे लगे होते हैं। इस प्रकार डॉक्टर अपने पुराने आले से बेहतर सुन पाते हैं और यदि कोई आवाज कमजोर होती है तो उसकी आवाज तेज करके वो काफी अच्छी तरह से उसको सुन पाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप हेयरिंग एड्स और डॉक्टरों के गले में लटके स्टेटोस्कोप के सिद्धांत के बारे में जान गए होंगे और अपने बुजुर्गों के हेयरिंग एड्स से आप मजाक नहीं करेंगे क्योंकि उसमें काफी क्रिटिकल चीजें लगी होती हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको एक बड़ा थम्स अप दें और यदि आपके दिमाग में कोई सवाल या सुझाव है इस वीडियो को लेके तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें क्योंकि हम इस तरह की टेक फैक्ट्स टेक वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।